बिग बॉस सीजन 14 में जहां एक तरफ एजाज खान और पवित्र पुनिया की लव स्टोरी शुरू होने से कुछ ही कदम दूर है और कुछ ही दिनों में जहां एक तरफ हम देखेंगे कि पवित्र पुनिया और एजाज खान की लव स्टोरी बन चुकी है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, वहीं उनके रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले ही बिग बॉस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल जो है वो करनी सेना उठा रही है इस बात को कहते हुए कि एजाज खान और पवित्र पुनिया के बीच लव स्टोरी दिखाते हुए बिग बॉस जो है वो लव जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं और लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है पूरी स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वह जहां एक तरफ पवित्र पुनिया ने काफी दिनों पहले एजाज खान को लेकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए एजाज से अपनी फीलिंग्स बताई थी और कन्फेस किया था कि वो उन्हें पसंद करती है, वहीं एजाज खान ने ये बात साफ तौर से क्लियर कर दी थी कि वो थोड़ा वक्त चाहते हैं और इस तरीके की किसी भी फीलिंग को वो नहीं रखते पवित्रा पुनिया के लिए। जहां एक तरफ दोनों ने ही इस कन्फेशन के बावजूद अपनी दोस्ती को बरकरार रखा था और थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के बावजूद दोनों की दोस्ती जो है वो लगातार नजर आ रही थी, वहीं कुछ दिनों पहले ही एजाज खान ने भी पवित्रा पुनिया से अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। जहां उन्होंने पवित्र पुनिया से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए पवित्र से ये बात कह दी कि वो भी उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी अब शुरू होने में कुछ ही दिन है क्योंकि इस हफ्ते कैप्टेंसी के टास्क में जहां एक तरफ एजाज खान जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं पवित्र पुनिया को और वो इसी वजह से जान कुमार शानू के खिलाफ भी खड़े हो गए, जहां उन दोनों के रिश्तों में दरार भी आ गई इस बात को लेकर। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि अब पवित्र और एजाज के बीच में रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी है, दोनों ने ही एक दूसरे को कन्फेस कर दिया है और दोनों के बीच एक बॉन्ड भी स्ट्रांग जो है वो नजर आ रहा है, रिश्ते की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है, वहीं अब करणी सेना जो है इन दोनों के लव बिग बॉस के इन दोनों के प्यार को दिखाने को लेकर सवाल उठा रही है और करणी सेना का कहना है कि बिग बॉस जो है वो सपोर्ट कर रहा है लव जिहाद को और क्योंकि एजाज खान मुस्लिम है और पवित्र पुनिया हिंदू है तो दोनों के बीच में प्यार को और रिलेशनशिप को दिखाकर बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं लव जिहाद और लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या अब बिग बॉस के मेकर्स जो इस सीजन में कई बार फंस चुके हैं, फिर चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो या फिर नेपोटिज्म को लेकर हो, वहीं अब लव जिहाद वाला मसला जब सामने आ रहा है करणी सेना की तरफ से तो इस चीज को कितना कंसिडर करके बिग बॉस जो है वो पवित्र पुनिया और एजाज खान की लव स्टोरी को बताने से पीछे हटती है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन करणी सेना का इस तरह से सवाल उठाना क्या बिग बॉस शो पर इफेक्ट करेगा ये भी हम बाद में देखेंगे। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और आप कितना अग्री करते हैं लव जिहाद वाले इस सवाल से, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।